देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है दो सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पर आई, पहला सब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पर आई, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पर माई ब्रदर। ठीक है, स्वामी रामदेव, सुमित पटेल, बिल्कुल ध्यान से देखो। तो ये दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, ये दोनों सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं एक्सेप्ट से। किससे? एक्सेप्ट से। ठीक है, तो अगर एक्सेप्ट से जुड़े हुए हैं तो इन ग्रुप में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ध्यान से देखो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी हिडन है। तो जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हो, एक्सेप्ट से, तो जो बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो पहला सब्जेक्ट आपका यहां पर क्या है, आई, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, एम। इट मींस कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी डी ऑप्शन, दैट इज नो एरर। क्लियर, तो दो में दो नंबर आपके पॉकेट में। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? थैंक यू सो मच। कविता कुमारी, नेहा शर्मा, सचिन कुमार, शिवानी, बिल्कुल जब कभी भी आपको ये वर्ड्स दिख जाएं तो आप ये समझ लेना, क्या समझोगे आप ये समझ लेना कि जो वर्ब आएगी इसके बाद वो नियरेस्ट नहीं, जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। समझ रहे हो? चलो अब अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ये आपके लिए क्या है, ट्राई करो। मैं आपको दो मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है, दो मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। चलो बताओ आंसर क्या होगा जल्दी से। रवि बिसाइड्स राम एंड श्याम इज अ गुड प्लेयर, ए बी सी डी, बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ, दो मिनट का टाइम है आपके पास।